हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं आपकी दोस्त अर्चना। आज हम बनाने जा रहे हैं गुंजिया। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि होली आ रही है और ज़्यादातर लोगों के घरों में गुंजिया बनाई जाती है। कई बार क्या होता है कि जब हम लोग गुंजिया तल रहे होते हैं तो हमारी गुंजिया जो है कढ़ाई में ही फट जाती है, जिसकी वजह से हमारा घी या तेल जो है ख़राब हो जाता है। आज मैं आपको कुछ ट्रिक्स और इसमें टिप्स ऐसे देने वाली हूँ जिसकी वजह से आपकी गुंजिया कभी भी नहीं फटेगी। बहुत ही आसानी से आप इसको घर में बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। गुंजिया बनाने के लिए सबसे पहले लेते हैं एक बर्तन। उसमें डाल लिया मैंने 2 कटोरी भर के मैदा। अब जो है इसमें डालेंगे हम बीच में जहाँ करके गरम गरम घी। घी को गरम करके डालिएगा और अब इसको अच्छे से जो है मलेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स करने की मैं आपको पहचान पहले ही बता चुकी हूँ कि जब हम इसको आपस में अच्छे से मिक्स करके ऐसे बनते हैं तो हमारा ऐसे डो बन जाता है, यानी कि हमारा जो है घी बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी। गरम पानी से हमें इसका डो तैयार करना है, क्योंकि हमने इसमें घी डाला है ना। ऑयल का इस्तेमाल करते तो कोई बात नहीं थी, मगर घी से जो है एक्स्ट्रा, एक तो क्रिस्पी बनेंगे आपकी बहुत बढ़िया, उसमें गर्म पानी से अगर आपने डो तैयार किया तो बहुत ही बढ़िया बनेगा। इसको रख देते हैं करीब 20-25 मिनट के लिए सेट होने के लिए। इधर फिलिंग तैयार करते हैं। मैंने पैन में देसी घी ले लिया थोड़ा सा। इसमें डाली है मैंने सूजी। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक हमें अच्छे से भूननी है। सूजी को हमें लगातार चलाते हुए भूनना है, बिल्कुल भी नहीं रोकना। देखिए इसमें खुशबू भी अच्छी आने लगी है और कलर भी इसका चेंज हो गया। अब इस स्टेज पे गैस कर देते हैं बंद। अब जिस बर्तन में मुझे फिलिंग तैयार करनी है उस बर्तन में सबसे पहले डाल देते हैं बूरा या पिसी हुई चीनी, कुछ भी ले सकते हैं। अब इसी के ही ऊपर डाल देंगे अपनी सूजी। अब इसी पैन में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी रोस्ट कर लेते हैं। उसमें मैंने थोड़े से बादाम, थोड़े से काजू, पिस्ता, थोड़ी सी चिरौंजी, जो भी आप लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसको अच्छा सा 1-2 मिनट ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लेते हैं और इसको भी हम उसी में ही मिक्स कर देंगे। अब इसी पैन में थोड़ा सा मैंने डेसिकेटेड कोकोनट ले लिया है, उसको भी ड्राई रोस्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो घर में गोला कस के भी मिक्स कर सकते हैं। उसको आप इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लीजिए और उसमें मिला लीजिए। तो ये भी तैयार हो गया, इसको भी इसी में डाल देते हैं। इसी के ऊपर से थोड़ी सी मैंने किशमिश ले रखी है, वो भी डाल देते हैं। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी ले लेते हैं। अब इसी पैन में ही मैंने खोआ लिया है। इसको मैं ऐसे ही हाथ से तोड़ के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसको कद्दूकस करके आप ग्रेट भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। और इसको हमें जो है अच्छे से भूनना है। खोए को अच्छे से भूनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर इसमें मॉइस्चर रह गया तो हमारी सारी फिलिंग ख़राब कर देगा, जिसकी वजह से हमारे फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसको अच्छे से भून लेते हैं। देखिए अच्छे से भून के तैयार हो रहा है, इसकी खुशबू भी बदल रही है और देखिए इसका मॉइस्चर भी ख़त्म हो गया है। अब इस स्टेज पर गैस कर देते हैं बंद और अब इसको भी उसी बर्तन में डाल देते हैं। सारी जो है हमारी फिलिंग एक जगह तैयार होगी, इसको अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। तो हमारी डन हो गई है, तो फिलिंग बन के तैयार बिल्कुल। अब चलते हैं अपने आगे के प्रोसीजर पे। चलिए अपना आटा देख लेते हैं। हमारे को आटा भी इतने तैयार हो चुका होगा। देखिए बहुत बढ़िया लग रहा है, सेट हो चुका है। इसको थोड़ा सा फिर भी मल लेंगे। थोड़ा सा हाथ से मलने के बाद अब इसमें बनाएंगे छोटी छोटी बॉल्स। इस तरीके से करके हमें सारी पहले एक साथ तोड़ लेते हैं ताकि बनाना आसान रहेगा। सभी जो है मैं बिल्कुल एक साइज़ की तोड़ूंगी, बिल्कुल एक से साइज़ की तोड़नी है। और इस तरीके से तोड़ के हमें इसको ढक के रखना है ताकि बिल्कुल भी पपड़ाए ना। तो इस तरीके से मैंने तोड़ ली है। अब इसकी बनाते हैं लोई। इसको हम बेलने चलते हैं, बाकी ढक के रख देते हैं। इसको हम बेल लेते हैं। हमें इसको बहुत ज़्यादा ना तो पतला बेलना ना बहुत ज़्यादा मोटा, बिल्कुल जैसे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल उस तरीके से बेलना है। अब लेते हैं अपना एक सांचा, मेरे को जिसमें बनानी है। तो सांचे के हिसाब से थोड़ा बड़ा रखिएगा साइज़। इस पे पहले हम रखेंगे अपनी इस तरीके से ऐसे करके। अब इसके अंदर भरेंगे अपनी फिलिंग। आराम से इसमें फिलिंग भरने के बाद में अच्छे से इसमें फिलिंग भर देते हैं। पहले हम इसको जो है पानी लगाएंगे, पानी लगा के जो है अच्छे से सील करेंगे, जिसकी वजह से बिल्कुल भी नहीं फटेगी आपकी। ये देखिए इस तरीके से सील करना बहुत ज़रूरी है। सील करके इसको अच्छे से टाइटली बिल्कुल बंद कर दीजिए। बंद करके जो एक्स्ट्रा है उसको हटा देते हैं आटे को, और इसको हटा के हम दोबारा रीयूज़ कर लेंगे। तो इसको भी वहीं ढक कर रखेंगे, आटा बिल्कुल पपड़ाने नहीं देना है। और हम इसको भी इस तरीके से करके निकाल लेते हैं। हम देखिए ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से निकालिएगा और निकाल के इसको भी ढक के रखिएगा। अब इस तरीके से करते हैं, पहले हम सारी बना के तैयार कर लेते हैं एक साथ ताकि फिर तलने में आसानी रहती है। तो हम जल्दी जल्दी फटाफट सारी अपनी पहले भर के सारी ही तैयार कर लेते हैं। बस ध्यान जरूर रखिएगा, ढक के जरूर रखिएगा, पपड़ाने मत दीजिएगा। तो मेरी तो देखिए सारी भर के करीब से तैयार हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने कपड़े से ढक के रखी हुई थी। ये देखिए इस तरीके से। चलते हैं पैन की तरफ। मैंने कढ़ाई में ऑयल ले रखा है। इसमें जो है ध्यान रखिएगा बिल्कुल मंदी गैस।
इस बात का स्पेशल ध्यान रखिएगा, तेज़ नहीं होनी चाहिए, मंदी गैस पे ही आपको डालनी है। आप चाहे कितनी भी एक साथ डालें, जितनी आपकी कढ़ाई में एक साथ आ सकती हैं, और जितनी ज़्यादा डालेंगे उतना अच्छा है, उसमें तलने में आसानी रहती है, क्योंकि पलटने में बहुत आसानी रहती है। अगर आप एक एक दो दो करके तलते हैं तो आपकी कई बार क्या होता है कि पलटते हैं तो वो वापस घूम जाती है, पलट नहीं पाती। अगर आपके पास ज़्यादा होती है कढ़ाई में तो आसानी से तल जाती हैं। देखिए कितनी बढ़िया तल के तैयार हो रही हैं। इस तरीके से करते अपनी सारी निकाल लेते हैं, बिल्कुल गोल्डन ब्राउन होने तक, कितनी बड़े एकदम क्रिस्पी बनती हुई आ रही हैं। इसी तरीके से अपना दूसरा राउंड भी डाल देते हैं, मगर बिल्कुल ध्यान रखिएगा गैस बिल्कुल तेज़ मत करिएगा। तेज़ गैस पे बनाएंगे तो आपकी गुंजिया बिल्कुल अच्छी नहीं बनेंगी, और एक साथ आराम से तल सकते हैं आप। अगर आप गुंजिया का डो तैयार करते वक्त गर्म पानी का और घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपकी गुंजिया बहुत ही खस्ता बनकर आती हैं। अगर आप इनको भरते वक्त पानी ज़रूर लगाएंगे तो आपकी गुंजिया कभी नहीं फटेंगी। अगर आप बिल्कुल मंदी गैस पर तलते हैं तो देखिए कितनी खस्ता बनकर आती हैं। इन ट्रिक्स का अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी गुंजिया वाकई में बहुत बढ़िया बनकर तैयार होंगी। तो लीजिए, मेरी तो सारी गुंजिया जो है बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार हो गई हैं। इनको सबको निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, मेरी तो सभी गुंजिया बनके तैयार हो चुकी हैं। अगर आप इन बातों को ध्यान में रखते हुए गुंजिया बनाएंगे तो आपकी गुंजिया ना तो कभी फटेंगी ना ख़राब होंगी, बहुत ही आसान सी रेसिपी, बहुत जल्दी बनके तैयार भी हो जाएंगी। फ्रेंड्स, मैं चाहती हूँ एक बार आप भी इस तरीके से घर में गुंजिया बनाएं, खाएं, और फिर अपने अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।